हेलो एवरीवन, आज हम बीए फाइनल की प्रायोगिक भूगोल की कक्षा में हमारे दूसरे प्रक्षेप के बारे में पढ़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली कक्षा में से कॉनिकल प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, और पहली ही कक्षा में हमने एक मानक अक्षांश साधारण शंकु प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था। आज हम दो मानक अक्षांश कॉनिकल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल के बारे में कहा जाता है। कॉनिकल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक्सटेंट दिया हुआ है, जो यहाँ पर है, जिसे हम देखते हैं कि हमारा विस्तार इस प्रक्षेप को बनाने के लिए 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट के बीच में हमें इसे बनाना है। इसका एरिया है एक्सटेंट, जिसे कहा जाता है। इसके पश्चात, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ें हैं। पहली, SP जिसे स्टैंडर्ड पैरेलल मानक अक्षांश कहा जाता है, वो 40 डिग्री नॉर्थ, वो 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, और इसकी मापनी 1:150 है, और अंतराल यहाँ पर 10 डिग्री का दिया हुआ है। हम पहले आपको स्पष्ट कर दूँ कि शंकु प्रक्षेप दो मानक अक्षांश, शंकु प्रक्षेप एक मानक अक्षांश प्रक्षेप का संशोधित रूप है, और इसमें यह कल्पना की जाती है कि कागज़ का जो शंकु है वो दो अक्षांशों को स्पर्श कर रहा है। वास्तविकता के रूप में कागज़ का कोई भी शंकु दो अक्षांशों को स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु ये मान लिया गया कि वो इन दो अक्षांशों को, दिए हुए अक्षांशों को 40 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों को स्पर्श कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में इस कल्पना के आधार पर इस प्रक्षेप का की रचना की जाती है। इस प्रक्षेप को बनाने की प्रक्रिया में हम आगे चलेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले आर ज्ञात करते हैं, और आर में हम लोग, जैसे कि पहले देखा था हमने कि यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक व्यास बटा अपॉन हमारी दी हुई मापनी, इसके आधार पर ये आर निकाल ली गई है, जिसका 4.23 सेंटीमीटर इसमें आर आ रहा है, जो कि हमने जो सेंटीमीटर इकाई वाली मापनी है उसके आधार पर हमने इसको निकाला है। अब हम आगे प्रक्षेप के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रक्षेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका ये नाम हो गया, जिसे कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल, शंक्वाकार दो मानक अक्षांश प्रक्षेप इसे कहा जाता है। और इस प्रक्षेप को बनाने का तरीका अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो आर आई थी, उस आर के आधार पर हम जो आर हमारे पास आई थी उस आर के आधार पर हमने एक अर्धव्यास, अर्धवृत्त की रचना की, एक समकोणिक वृत्त की रचना की। और इसमें हम लोगों ने, हमें क्या क्या प्लान करना है, पहले एक तो हमने 10 डिग्री का कोण बनाया जो हमारा अंतराल है। इसके पश्चात हमारे पास यहाँ पर दो मानक अक्षांश वृत्त हैं, उनको हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे 40 डिग्री और 60 डिग्री चांदी की सहायता से, और इस तरीके से हमने इसको प्लान कर दिया। ये 10 डिग्री अंतराल की जो B2E वाला जो एरिया है, जिसको प्रकार में भरेंगे, और उस प्रकार में भर करके उससे हमने इसको यहाँ पर ये चाप बना दिया, और इस चाप को अंकित करने के पश्चात इन कोण वाली रेखाओं से, O से A वाला जो लंब है, इस पर से इन दोनों रेखाओं की दूरी को अंकित हमने यहाँ पर किया है। इस तरीके से ये हमारी प्रक्षेप बनाने की प्रिपरेशन, प्री प्लान प्रिपरेशन बन गई है। अब हमें यहाँ पर इसका एक प्रक्रिया और करनी है
कि एक सीधी लंब रेखा यहाँ से यहाँ तक हम डालते हैं, एक लंब रेखा हमने यहाँ से डाली है और इस लंब रेखा पर डी से सी या सी से डी के बीच की दूरी को प्रकार में लिया और उससे एक इसे यहाँ पर प्लांट कर दिया इस तरीके से जैसा कि आपको दिख रहा है। सी से डी को हमने इस दूरी पर प्लांट किया और यहाँ से ये जो अर्धव्यास में छोटी एफ वाली दूरी 40 डिग्री पर बनी हुई एल एम पर डली हुई दूरी और जी से एल एम पर डली हुई दूरी को यहाँ पर प्लांट किया और एक इन दोनों को मिलाते हुए पी बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा हमने यहाँ पर खींच दी। इस तरीके से ये दूरी हमारे पास यहाँ पर आई। अब हम प्रक्षेप बनाने के लिए हैं क्या करेंगे कि पी से सी तक की दूरी को हम प्रकार में लेंगे और एक बिंदु के सहारे यहाँ से इस बिंदु के सहारे हम एक पी से सी की दूरी को हम लोगों ने लिया और उससे एक चाप बना दिया। ठीक इसी तरीके से पी से डी की दूरी को लिया, चाप बना दिया। ये 40 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं और यह 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं और यहाँ से हमने एक सीधा लंब बना दिया। सीधा लंब हमने यहाँ से एक बना दिया और इस लंब पर जो हमारे 10-10 डिग्री के अंतराल के जो अक्षांश की दूरी हैं उनको हमने प्लांट करके और इस तरीके से इस प्रक्षेप को हम अक्षांश वृत्तों की चाप निर्धारित करके पी से उन पर सकेंद्रीय वृत्तों की चाप हमने डाल दिए। इसके पश्चात ये जो दूरी एफ से जी के बीच की आ रही है उसे और जी से जो एपिल लंब के बीच की दूरी है जो यहाँ पर हमने ली है, इस दूरी से दोनों मानक अक्षांशों पर हम देशांतरों की का निर्धारण करेंगे जो हमारे विस्तार के अनुसार 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखाएँ 40 डिग्री पर ईस्ट की ओर और 6 रेखाएँ 40 डिग्री पर वेस्ट की ओर। हम इसको 40 डिग्री और 60 डिग्री पर दोनों पर इन दूरियों को इस तरीके से डिवाइड करते हुए बनाएंगे। फिर यहाँ से पी बिंदु से इन दोनों दूरियों को देखते हुए और चाप रेखाएँ विकृत कर देंगे। इस तरीके से ये प्रक्षेप बन जाता है और इस प्रक्षेप की रचना एक मानक अक्षांश शंकुआकार प्रक्षेप के अनुरूप ही बढ़ती है। अब हम बात करें प्रक्षेप की पहचान की तो ये भी एक मानक अक्षांश शंकुआकार प्रक्षेप के समान ही है और इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती है वो एक केंद्र से खींची गई सकेंद्रीय वृत्तों के चाप के रूप में होती हैं। वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक बिंदु से विकृत रेखाएं होती हैं और ये सभी अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती हैं। मानक अक्षांश पर देशांतरों की मापनी शुद्ध होती है जबकि अक्षांश रेखाओं की मापनी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ी हुई होती है और इसमें जो ध्रुव होता है वो एक चाप के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अतः इस प्रक्षेप को में सामान्यतः इस प्रक्षेप का उपयोग सिर्फ एक ही गोलार्ध के मानचित्र बनाने के लिए किया जा सकता है जैसा कि एक मानक शंकु प्रक्षेप में भी इसी तरीके से इसका उपयोग किया जाता था। इस प्रक्षेप का महत्व की यदि हम बात करें तो ये प्रक्षेप सामान्यतः कम अक्षांशीय विस्तार रखने वाले देशों के लिए उपयुक्त हैं और इस प्रक्षेप का कोई गुण नहीं है। नए प्रक्षेप सम क्षेत्र हैं और न ही ये प्रक्षेप यथाकृतिक हैं और इसमें दिशाओं का भी शुद्धता सिर्फ देशांतरों पर विकृत दिशाएं की शुद्धता भी नहीं पाई जाती है। ये प्रक्षेप यूरोप के छोटे छोटे देशों के मानचित्र बनाने के लिए जिनका अक्षांश विस्तार कम है उसके लिए इस प्रक्षेप का उपयोग खास तौर पे यूरोप के छोटे छोटे देशों के मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
साधारण शंकु जो दो मानक प्रक्षेप हैं, इसकी बनाने की रचना विधि काफ़ी सरल है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।